स्टूडेंट्स, आज हम कलर कक्षा 5 पार्ट 8 की एक्सरसाइजेस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में ये लेसन पढ़ा था, इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। स्वामी राम तीर्थ को स्टेशन पर फलों की खोज क्यों करनी पड़ी? इसका उत्तर है, उन दिनों स्वामी राम तीर्थ फलहार करते थे, अतः उन्होंने स्टेशन पर फलों की खोज की। दूसरा प्रश्न, जापानी युवक स्वामी जी के लिए फल क्यों ले आया? जापानी युवक ने स्वामी जी को यह कहते हुए सुन लिया, शायद जापान में फल नहीं मिलते। वह युवक अपने देश के विषय में किसी विदेशी की ऐसी बात नहीं सुन सकता था। प्रश्न 3, स्वामी जी द्वारा फलों का मूल्य दिए जाने पर जापानी युवक ने क्या कहा? उसने कहा कि अगर आप फलों का मूल्य देना ही चाहते हैं तो आप अपने देश में जाकर किसी से यह मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। चौथा प्रश्न, युवक और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश क्यों वर्जित कर दिया गया? युवक ने जापान के सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली थी, जिसमें से उसने कुछ दुर्लभ चित्र निकाल कर अपने पास रख लिए और उस पुस्तक को वापस कर दिया। उसके इस दुष्कृत्य की सूचना एक जापानी युवक ने पुस्तकालय प्रभारी को दी, फलस्वरूप वह सबूत के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया। इस कारण उसका और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित हो गया। अब अगली एक्सरसाइज करते हैं, वाक्यों को पढ़िए और सोच कर लिखिए, अच्छी आदत और गलत आदत। केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकना, ये गलत आदत है। अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंकना, गलत आदत। शौचालय का प्रयोग करना और साबुन से हाथ धोना, अच्छी आदत। पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ना, एक अच्छी आदत है। अपना घर, गली, स्कूल, बस, ट्रेन को गंदा करना, एक गलत आदत है। पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, अच्छी आदत। यातायात के नियमों का पालन करना, अच्छी आदत। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में धक्का मुक्की करना, गलत आदत। अनावश्यक पानी ना बहाना, अच्छी आदत। हर दिन समय से स्कूल आना, अच्छी आदत। अब अगली एक्सरसाइज करते हैं, सोच विचार बताइए, आप अपने स्कूल, गांव, मोहल्ले का नाम ऊंचा करने के लिए क्या क्या करेंगे? तो आपको इसमें बताना है कि आप अपने नाम को, अपने गांव के नाम को, अपने मोहल्ले के नाम को या स्कूल के नाम को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी का कोई अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो सब आपको लिखना है इसमें। अपने विद्यालय को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए क्या आप क्या क्या करेंगे? तो सुंदर बनाने के लिए आप उसमें सफाई रखेंगे, पेड़ लगाएंगे, कि लोगों को गंदगी करने से मना करेंगे, ऐसी चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। अगली एक्सरसाइज, भाषा के रंग, वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलिए। आपको वचन के अनुसार इसमें क्रिया का रूप बदलना है। एग्जांपल के तौर पे इसमें दिया है, पुलिस ने एक चित्र बरामद किया, पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। ऐसे ही बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, बालिका ने कई पुस्तकें खरीदी। बालक ने एक खिलौना खरीदा, बालक ने कई खिलौने खरीदे। रमेश ने एक रोटी खाई, रमेश ने कई रोटियां खाई। रेखा द्वारा विलोम शब्द को जोड़िए, ताज़ा, बासी, बढ़ा देना, घटा देना, दुर्लभ, सुलभ, दंड, पुरस्कार, श्रेष्ठ, हीन, सुरुचि, कुरुचि, सुरक्षित, अरक्षित, अस्वीकार करना, स्वीकार करना। मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। सिर ऊंचा करना का मतलब होता है सम्मान बढ़ाना, तो अब हमें सिर ऊंचा करने का वाक्य में प्रयोग करना है। अच्छे कार्य करने से देश का सिर ऊंचा होता है। अगला, कलंक का टीका लगाना, बदनामी कराना। कलंक का टीका लगाने का मतलब होता है बदनामी कराना, तो अब हमें कलंक का टीका लगाने का जो ये पूरा है मुहावरा, इसको सेंटेंस में मतलब वाक्यों में प्रयोग करना है। तो अशिष्ट व्यवहार करने से व्यक्ति के माथे पर कलंक का टीका लगता है। अगला है, प्रतिष्ठा पर आँच आना, इसका मतलब होता है सम्मान घटना। इस मुहावरे का हमें प्रयोग करना है वाक्य में। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए।
अगला है इधर की उधर लगाना, एक से दूसरे की शिकायत करना। इधर की उधर लगाने का मतलब होता है एक से दूसरे की शिकायत करना। तब हमें इस वाले मुहावरे का अर्थ करना है वाक्य में, इधर की उधर लगाना। इधर की उधर लगाना गलत बात होती है। तुम्हारी कलम से, इस पाठ को पढ़ने के बाद बनी समझ को अपने शब्दों में लिखना है। तो आपने ये पाठ पढ़ा, अब आपको ये समझ में आ गया कि हमें अच्छे काम करने चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो, उसका सिर ऊंचा उठे। ये तो आपको ये समझ जो आपकी बनी है इस पाठ को पढ़ने के बाद, वो अपनी कॉपी पे लिखनी है अपने शब्दों में। अब करने की बारी, महापुरुषों के जीवन की प्रेरक घटनाओं के बारे में पढ़िए। तो आपके विद्यालय में पुस्तकालय होगा, उसमें जाके आप महापुरुषों की जीवनी ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और उनकी प्रेरक घटनाओं को पढ़ सकते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं। स्वयं की एवं आसपास की सफाई के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सूची बनाइए। आपको ये देखना है कि जब मैं खुद कैसे साफ रह सकता हूँ या रेसा रह सकती हूँ, या आसपास की चीज़ें उनको कैसे साफ रखा जा सकता है, उनकी एक लिस्ट बनानी है। देश प्रेम की घटनाओं से जुड़े अन्य प्रसंग अपने शिक्षक से सुनिए। आपके जो टीचर हैं उनसे आप देश प्रेम की घटनाओं के बारे में सुन सकते हैं कि कैसे हम देश प्रेम को बढ़ा सकते हैं या फिर क्या क्या घटनाएं हुई थी देश प्रेम को जब बढ़ाने के लिए। मेरे दो प्रश्न, पाठ के आधार पर दो सवाल बनाइए। आपके कोई और भी सवाल हो सकते हैं, मैंने बना दिए हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं या फिर कोई और से भी। जैसे राम तीर्थ फल क्यों खाते थे, युवक ने पुस्तक से चित्र क्यों निकाले। इस पाठ से मैंने सीखा हमें अच्छा काम करना चाहिए। मैं करूँगा या करूँगी, अब मैं अच्छे काम करूँगी। आपने जो कुछ और सीखा हो आप वो लिख सकते हैं, और आप इनको इस पाठ को पढ़ने के बाद जो आप कुछ और करें, जो आपको प्रेरणा मिली हो वो भी लिख सकते हैं। मैं हिंद का हूँ, हिंद मेरा है प्यारा वतन, वतन के लिए प्यार ही मेरा ईमान है। मैं एक ईमानदार वतन परस्त रहकर हिंद की मिट्टी में मिल जाना चाहता हूँ। अमीर खुसरो, प्रसिद्ध सूफी संत और कवि, इन्होंने ये लिखा है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है और लेसन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।